हे या गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इंडियन यूनिक बेबी गर्ल्स नेम लेकर आए हैं, पार्ट 3। और सारे ही नेम्स अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम है अक्षायणी। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अनादर नेम फॉर दुर्गा, एंड हिंदी मीनिंग है इसका माँ दुर्गा का एक और अन्य नाम अक्षायणी। बहुत प्यारा नेम है। सेकंड नेम है अमारा। अमारा का इंग्लिश मीनिंग है इमॉर्टल, एंड हिंदी मीनिंग है अजर अमर। सो अमारा मीन्स अमर। नेक्स्ट है आदिता। आदिता आदिता का इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से, शुरुआत करना किसी काम की। सो शुरुआत, आदिता मीन शुरुआत। नेक्स्ट है आदित्री। बहुत प्यारा नेम है। इसका इंग्लिश मीनिंग है गॉडेस लक्ष्मी अनादर नेम, और हिंदी में आदित्री को हम कहेंगे माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम। नेक्स्ट है आद्रिका। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन मीन्स पहाड़। सो अगर आपको ये नेम पसंद आए तो आप अपनी बेबी के लिए इसे रख सकते हैं। सो नेक्स्ट नेम है आपती। आपती सो आपती का इंग्लिश मीनिंग है फुलफिलमेंट, और हिंदी में हम इसे कहेंगे पूर्ति। सो आपती मीन्स पूर्ति। नेक्स्ट वर्ड है आधीला। आधीला को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑनेस्टी, और हिंदी में इसका मीनिंग होगा ईमानदारी। सो आधीला मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट है आधीरा। आधीरा आधीरा को हम इंग्लिश में कहेंगे मून, और हिंदी में कहेंगे चांद, चंदा। सो बहुत अच्छा नेम है। नेक्स्ट है आद्रिता। तो आद्रिता को इंग्लिश में मीनिंग हुए चार्मिंग, और वहीं हिंदी में आद्रिता का मीनिंग है आकर्षक, अट्रैक्टिव। सो इफ यू वॉन्ट यू विल गो विथ देयर। नेक्स्ट है आगम। आगम का मीन्स है कमिंग, मीन्स आ रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे आना, तो हमेशा आते रहना, तो आगम का मीन्स होगा आ रहा है या आते रहना। नेक्स्ट है आलोका। आलोका को हम इंग्लिश में कहेंगे क्राई ऑफ विक्ट्री, और हिंदी में इसका मीन होगा मतलब जीत के लिए प्रयत्न करना, जब तक जीत नहीं मिलती उसके लिए लगे रहना, तो इसका मीन है आलोका। सो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कल आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक नेम्स बेबी के हमारे चैनल पर लाते हैं, तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।